चाचा आपका? मोहम्मद यामीन, गजक डिपार्टमेंट के हेड हैं। ठंडक की पहली दस्तक हो तो मन में क्या ख्याल आता है? गरम चाय, गरम मूंगफली या गरम समोसे, इन सब में एक नाम ऐसा है जिसके बिना मानो ठंडक का मौसम अधूरा सा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ गजक की। और बात जब इंडियन गजक की हो तो फिर क्या ही कहना। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल खाना खाया क्या में, और आज का ये सफर है इंडियन गजक का, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गजक कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है और कितने वैरायटी की बनती है। तो इस सफर में मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये हमारी कोशिश पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा। तो चलते हैं और फिर देखते हैं ये प्यारी सी वीडियो गजक की। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी के एक बहुत ही खूबसूरत से शहर अलीगढ़ में, और आज हम आए हैं इंडियन गजक कॉर्नर पे। यहां पे गजक की बहुत सारी वैरायटीज हैं, तरह तरह की किस्में हैं। यहां पे जो है वो आपको तिल वाले गजक, तिल के लड्डू और भी तमाम तरह की वैरायटी जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो सारी की सारी जो वैरायटीज हैं वो दिखाने के लिए जो है हम आपको सीधे लेके चलेंगे इनके किचन में, वहाँ दिखाएंगे ये कैसे बनता है, किस तरह से ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलते हैं फिर और देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे तैयार होती हैं। तो ये है किचन, चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह की चीजें जो हैं वो सारी तैयार हो रही हैं। तो चलिए फिर। गजक तिल, चीनी और गुड़ की चाशनी से तैयार की गई वो स्वीट डिश है जिसे बड़ी मोहब्बत के साथ हथौड़ों की चोट देकर तैयार किया जाता है। किचन में दाखिल होते ही तिल के भुनने की, गुड़ की चाशनी के पकने की खुशबू मानो आपकी इसे खाने की ख्वाहिश को और बढ़ाने लगती है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पहले ये मूंगफली की गजक कैसे बनती है और फिर दिखाएंगे आपको कि ये तिल की गजर कैसे बनती है। ये गुड़ की चाशनी है जिसको जो है आग पे पकाया जाता है, काफी देर तक पकाया जाता है। ये मूंगफली है जिनको भून के पहले से तैयार कर लिया जाता है ताकि ये जो गुड़ की चाशनी है उसके इस मूंगफली में डाल के इसको तैयार किया जा सके। अब इस गुड़ की चाशनी को एक पत्थर के ऊपर जो है अच्छे से डाल के फैला दिया जाता है और इसके सूखने का इंतज़ार किया जाता है। जब ये हल्का सा सूखने लगती है तो इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। गर्म नहीं है ये? एक बार जब ये ठंडा हो जाए तो ठंडा होने के बाद इसको इकट्ठा करके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इसको ले जाया जाता है। अब इकट्ठा करने के बाद इसको एक कील में टांग दिया जाता है और इसको तब तक खींचा जाता है जब तक इसमें जो है वो रेशे ना बनने लग जाएं।
ये काम बहुत ही मेहनत का है, बहुत ही कलाकारी का है और बहुत ही मंझे हुए इंसान ही जो हैं वो इस काम को कर सकते हैं। एक बार ये अपना रंग बदलने लगे, सफ़ेद सफ़ेद सा रंग इस पर अगर आने लगे तो समझ जाइए जो रेशे हैं वो अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं और फिर इनको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है वो भेज दिया जाता है। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को उन मूंगफली में डाल दिया जाता है जो मूंगफलियाँ पहले से भून के तैयार की गई हैं और इसको इसमें अच्छे से चला लिया जाता है जिससे ये मूंगफली जो है ये इस चीनी की जो ये गुड़ की जो चाशनी है इसमें अच्छे से चिपक जाएं और मिक्स हो जाएं। अच्छा तो इससे जो है वो चीनी वाली गजक तैयार हुई, जो ये तैयार हो रही है भैया। अच्छा तो ये जो तैयार हो रही है चीनी वाली गजक, ये इससे तैयार हो रही है। तो ये क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या पड़ा हुआ है? तिल पड़ा हुआ, चीनी है। अच्छा तिल है, चीनी है, तो इसको मतलब कूट के और चाशनी के साथ बनाई जाती है। अच्छा ये चीनी की पट्टी है। अच्छा अब इसमें क्या पड़ेगा कूटे हुए तिल? अभी इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ वाली बन रही है ना जी।
क्या दोनों के टेस्ट में भी अंतर आ जाता है क्या? जी जी जी। टेस्ट में कैसे अंतर आ जाता है? इसमें हल्का कौन होता है, इसमें पट्टी पतली होती है थोड़ी है। अच्छा अच्छा ये बात है।